आज मालेगांव शहर के अंदर हजार खोली पहली गली मदीना कटपीस सेंटर के पास में एक 18 साल या 17 साल के बच्चे ने, घर के लोग शादी में गए हुए थे, अपने ही मकान के ऊपर फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। उम्र सिर्फ वो बच्चे की 17 साल या 18 साल है, पूरी तरीके से उसने दुनिया भी नहीं देखा था। नाम उसका है मोमिन साद मलिक गुलाम रसूल। उम्र इसकी तकरीबन 17 साल है। वहाँ पर जब उनके वालिद साहब को मालूम पड़ा तो उनके वालिद साहब ने खुद उसको ऊपर से उतार कर शिफा हॉस्पिटल लेकर गए। शिफा हॉस्पिटल से वहाँ से डॉक्टर साहब का मुझे कॉल आया कि शफीक भाई ऐसा ऐसा मामला है। हम लोगों ने बोला कि ठीक है। हमने वहाँ से आयशा नगर पुलिस स्टेशन के PI साहब को कॉल किया। PI साहब ने वहाँ से दो बंदे भेजे जिनका इनकेस पंचनामा वगैरह शिफा हॉस्पिटल में ही भर लिया गया और उसके बाद हम लोगों ने डेड बॉडी लेकर सिविल हॉस्पिटल आए। यहाँ पर आने के बाद जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो करने के बाद अभी उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। मालेगांव शहर में हमारे जितने भी सोशल वर्कर है सभी लोग ये मैसेज बार बार देते हैं कि यार फांसी लगाने के बाद आदमी की जो मौत होती है वो हराम मौत होती है। आदमी मरने के बाद हराम उसमें चला जाता है क्योंकि वो ना जमीन का रहता है ना आसमान का रहता है। बार बार ये मैसेज देने के बाद भी लोग क्यों ये कदम उठाते हैं। अभी ये लड़का 17 साल का था और ताज्जुब की बात यह है कि ये हाफिज़े कुरान था बच्चा, पूरे पारे का हाफिज था। क्या आप तो खुदकुशी कर लेते हैं, आपके पीछे आपका परिवार, बच्चे, घरदार, इनको काफी तकलीफ हो जाती है, तो मर जाना, खुदकुशी करना यही इसका हल नहीं है। आप अपने घर वालों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को, उलमाए करम से मिलिए और ये चीज से बहुत दूर रहिए। मैं खास सटाना से आया हूँ, यहाँ का माहौल देखा मैंने मालेगांव का, मैं तालुका अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, तो ये चीज का हल ये नहीं है। आप अपने माँ बाप, बहन भाई के सबके बारे में सोचिए और ये चीज बंद करिए।